नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। जो औरत संकट चतुर्थी के दिन ये सात उपाय करती है, उसको गणेश जी के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी खास कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, संकट चतुर्थी के बारे में कौन नहीं जानता। माघ मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि संकट चौथ के रूप में मनाई जाती है। इस दिन संकट माता भगवान गणेश और चंद्रमा की पूजा की जाती है। संकट का अर्थ है संकट। इस दिन गणपति ने देवताओं का संकट दूर किया था। संकट चौथ के दिन माताएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना भी करती हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू समाज में संकट चतुर्थी को बहुत ही पवित्र त्योहार माना जाता है और बहुत ही शुभ भी माना जाता है, क्योंकि ये वर्ष में पड़ने वाला पहला त्योहार होता है और साथ ही यह त्योहार गणेश भगवान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कोई भी शुभ काम करने से पहले श्री गणेश भगवान की पूजा की जाती है। तो ऐसे ही वर्ष के सभी त्योहार में ये सबसे पहले पड़ता है, इसीलिए ये खास भी है। दोस्तों, अब बात करते हैं संकट चतुर्थी के दिन वो सात खास उपाय की, जिनको अगर आप इस दिन कर लें तो गणेश जी और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होने लगती है। अब आप सभी महिलाएं इस दिन व्रत तो रखती ही हैं, पूजा भी करती हैं। बस पूजा के समय इन खास उपाय को आप और कर लें तो आपको गणेश भगवान और माता लक्ष्मी की खास कृपा प्राप्त होगी। तो चलते हैं उन उपाय की तरफ। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी श्री गणेश की प्रिय तिथि है। इस दिन कुछ सरल उपाय करके आप श्री गणेश का आशीर्वाद पा सकते हैं। आइए जानते हैं किन उपायों से प्रसन्न होकर श्री गणेश देंगे आपको अपना शुभाशीष। पहला उपाय है, दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश को गेंदे का फूल, मोदक और गुड़ का नैवेद्य अर्पित करें। यानी कि संकट चतुर्थी की दिन आप गणेश भगवान को गेंदे का फूल, जो कि गणेश भगवान का सबसे प्रिय है, और साथ में मोदक यानी कि लड्डू और तिल और गुड़ का भोग लगाएं, उन्हें अर्पित करें। दोस्तों, इस उपाय से आपको हर कार्य में सिद्धि प्राप्त होगी। आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। आपका कोई रुका हुआ कार्य है, धन नहीं आ रहा, ये सब जल्द ही पूर्ण होंगे। आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। दूसरा उपाय है, दोस्तों, श्री गणेश जी भगवान को सिंदूर अत्यंत प्रिय है, इसलिए आप संकष्टी चतुर्थी के दिन श्री गणेश को पूजन के समय सिंदूर का तिलक करने के पश्चात स्वयं को भी सिंदूर का तिलक करें और फिर श्री गणेश का पूजन करें। मान्यता अनुसार सिंदूर सुख सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है तथा यह श्री गणेश को प्रिय भी होने के कारण आपका सुखमय जीवन बनेगा। तीसरा है, दोस्तों, अगर आपको अपार धन संपत्ति चाहिए तो आज धनदाता गणेश स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप इस पथ के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको ये यहाँ दिखाई दे रहा है, इस मंत्र को कहीं लिख लें या स्क्रीन शॉट ले लें। मंत्र श्री हरि श्री हरि क्लीं श्री क्लीं वित्तेश्वराय नमः। इस मंत्र की आपको 11 माला का जाप करना है। अब चलते हैं चौथे उपाय की तरह। चौथा उपाय है, दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी के दिन शमी के पेड़ का पूजन करें। शमी के पेड़ का पूजन करने से श्री गणेश प्रसन्न होते हैं। उन्हें शमी के पत्ते अर्पित करने से आपके जीवन से, आपके घर से दुख दरिद्रता दूर होती है। तो ये उपाय आप कर सकें तो जरूर करें। पांचवा उपाय, जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियों से निजात पाना हो तो इस दिन श्री गणेश को 17 बार दूर्वा अर्पित करते समय आप इस मंत्र का जाप करें। गंग गणपत्ये नमः मंत्र का आपकी सभी समस्या का हल जल्द से जल्द होगा। आपके जीवन में जितनी भी परेशानी हो, जैसे भी परेशानी हो, सबका जल्द अंत होगा। दोस्तों, छठा उपाय है, अगर आप खुद का घर लेने के इच्छुक हो तो संकष्टी चतुर्थी के दिन श्री गणेश पंचरत्न स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। आपको जल्द ही लाभ होगा, जल्द ही आप नया घर ले पाएंगे। सातवां उपाय, दोस्तों, अगर आप अपने या अपने किसी परिवार के सदस्य के जीवन में कोई विशिष्ट कोई बड़ी उपलब्धि चाहते हैं तो पूजा में लाल वस्त्र तथा लाल चंदन का प्रयोग अवश्य करें।
और अगर आप सिर्फ मन की शांति और संतान की प्रगति की चाह रखते हैं, तो सफेद या पीले वस्त्र धारण करके पूजन करें, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा, आपके ऊपर गणेश भगवान की पूर्ण कृपा होगी। अगर आप इन उपाय को करते हैं तो दोस्तों ये थे कुछ खास उपाय जो आपको सकट चौथ के दिन करने चाहिए। अगर आप अपनी और अपने परिवार की तरक्की जल्द से जल्द चाहते हैं और अगर ये उपाय ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।